नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं ग्वार के साथ, क्योंकि ग्वार में आज जबरदस्त उठापटक का माहौल बना हुआ है। झटके में ही ग्वार तेज गिरावट के साथ दिखता है और पलक झपकते ही हरे निशान में मार्केट आ जाता है। तो कुछ भी कहना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि आज के लिए यहाँ से अगला डायरेक्शन होगा क्या। तो आज 4% से ज़्यादा की गिरावट हमने ग्वारगम में इंट्राडे में देखी है, और हालांकि शुरुआती सत्र में 6% का भी लोअर सर्किट लगा था। ग्वारगम का भाव 10,000 के नीचे आ चुका है और ग्वारसीड का मार्केट 6,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसके अलावा मसालों में मिला जुला रुख है। हल्दी वायदा 1% टूटा है, 8,200 के नीचे है। जीरे में 2% तक की कमजोरी है और 14,800 रुपये के नीचे भाव फिसला है। इसके अलावा बारिश की बात करें तो देश में बारिश को लेकर एक बार चिंता बढ़ी है, क्योंकि इस सीज़न में अब तक सामान्य के मुकाबले 10% कम बारिश हो गई है। 28% कम बारिश सिर्फ और सिर्फ अगस्त के महीने में हुई है, और देश के करीब 36% इलाकों में सामान्य से कम बारिश हुई है। गुजरात में सबसे ज़्यादा करीब 48% कम बारिश है, उड़ीसा में भी 31% कम बारिश है। इसके अलावा कच्चे तेल में तेज़ी के साथ कारोबार है। ब्रेंट का भाव $72 के करीब है, 1% की मजबूती यहाँ पर दिख रही है। WTI क्रूड $68 के ऊपर है और यहाँ पर भी तेज़ी का रुझान दिख रहा है। मेक्सिको की खाड़ी में तूफान का खतरा है, जिससे सप्लाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा गोल्ड में भी एक्शन गायब है। जैक्सन होल की मीटिंग पर मार्केट की नज़र टिकी हुई है। MCX पर गोल्ड 47,200 के करीब है, मामूली गिरावट आई है। हालांकि शुरुआती दौर में तेज़ी थी गोल्ड में, ये तेज़ी अब खत्म हो गई है। चांदी का भाव 63,000 के करीब है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब आपको बताते हैं कि आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी होंगी, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं तरुण सत्संगी, tarunsatsangi.com के। आपका बहुत स्वागत है तरुण जी। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं। इनिशियल ट्रेड में हमने तेज़ी का माहौल देखा था, लेकिन वो तेज़ी अब गायब हो गई है। यहाँ से आगे की चाल आप क्या देख रहे हैं? हाय, गुड आफ्टरनून मृत्युंजय जी। सर्टेनली अभी जैसा कि जैक्सन होल का मीटिंग है, आई थिंक अहेड ऑफ इट 1770 से 1810 का प्राइस बैंड रहेगा, और जिस डायरेक्शन में प्राइस रेंज को ब्रेक करेंगे वही डायरेक्शन देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपये अप्रिसिएशन की वजह से ज़्यादा हमने करेक्शन आते हुए देखा है। कंसिडरिंग दिस, मैं डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड को शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा 47,550 पर। स्टॉप लॉस रहेगा 47,800। मुझे लगता है कि 46,950 तक गोल्ड के प्राइस आने चाहिए टुडे। ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर। अच्छा, क्रूड का मार्केट कैसा लग रहा है आपको तरुण जी? क्योंकि कच्चे तेल में तेजी है और MCX पर कच्चा तेल, हालांकि अब ये तेजी कम हो गई है, अब महज 2 रुपए की मजबूती रह गई है। आप बताएं क्रूड में आज क्या ट्रेड लेना चाहिए? आई थिंक अभी भी जिस तरीके से मार्केट में न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। डोमेस्टिक मार्केट में जो रैली फिजल आउट हुआ है, वो रुपी में जो शार्प अप्रिसिएशन हुआ है 50 पैसे से ज़्यादा का, उसकी वजह से एक्चुअली इम्पैक्ट आते हुए देखा है। गल्फ ऑफ मेक्सिको में हमने देखा है कि हरिकेन का थ्रेट है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है हमको। और जिस तरीके से रिस्की एसेट क्लासेस में आज बाइंग है अहेड ऑफ मीटिंग, मुझे ऐसा लगता है अभी भी ये बाय ऑन डिप्स ही रहना चाहिए। 5,010 पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 4,960। पॉसिबिलिटी है 5,120 आज देखने को मिले इवनिंग सेशन में। ओके, ठीक है। कॉपर का मार्केट आपको यहां से कैसा लग रहा है? क्योंकि अभी कॉपर में बहुत ही रेंज का ट्रेड है, और इस वक्त कॉपर आप देख लीजिए, सितंबर का वायदा 714 रुपए के आसपास है, बहुत ही दायरे का ट्रेड हो रहा है। तो आपके हिसाब से कॉपर में क्या किया जाए अभी? या कहीं ना कहीं मार्केट फर्दर ट्रिगर का वेट कर रहा है, जो कि एक्चुअली जैक्सन होल सिंपोसियम से निकल कर आएगा। लेकिन हमने देखा है कि लास्ट वीक का जस्ट रिवर्स स्टोरी था, 675 से 720 तक इस वीक प्राइसेस आए हैं। आई थिंक 711 जब तक की काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, इसको ब्रेक नहीं करेगा। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी कॉपर में भी होना चाहिए। 713 मिलता है, मैं बाय करूँगा 711 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा मेरा 719। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी कॉपर पर है। 719 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं कि 713 पर खरीदें। निकल में भी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बाइंग की?
या सर्टेनली 1407 पे मैं बाय करना प्रेफर करूंगा। स्टॉप लॉस 1400 के नीचे काफ़ी रहेगा, मुझे ऐसा लगता है इवनिंग सेशन में 1424 देखने को मिलेगा। अच्छा, तो लेड में क्या करें तरुण जी आज के लिए? लेड में आपको लगता है कि कुछ अभी और तेजी की गुंजाइश बची हुई है आज के लिए और यहां पर बाई करनी चाहिए? सी लेड एक काफ़ी सेफ काउंटर है, एक महीने से हमने देखा है 175 से 182 का रेंज बना हुआ है। जब तक 175 के नीचे नहीं जाएगा इसमें गिरावट नहीं आएगा, और बेस मेटल्स का मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड तेजी का है। अगर गिरावट के चलते 176 जब जब प्राइस आए तो आई थिंक बाय करना चाहिए 174.50 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड एज एंड वेन प्राइस 181 आए प्रॉफिट बुक करना चाहिए इस काउंटर में। ठीक है, नेचुरल गैस पर कोई कमेंट आपका तरुण जी, क्योंकि बहुत तेज़ी आ चुकी है नेचुरल गैस में, और आप देखिए कि मार्केट आज भी नेचुरल गैस का तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा था, अभी बिल्कुल रेंज में फंस गया है, फिर भी 312 के ऊपर है। क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? सी नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट 3 ईयर्स के हाई लगे हैं, कल जो इन्वेंट्री के नंबर आए थे एक्सपेक्टेशन से कम आए, जिसकी वजह से हमने देखा कहीं ना कहीं जो इन्वेंट्रीज हैं US के अंदर वो लास्ट ईयर सेम पीरियड से काफ़ी नीचे हैं, इवन 5 ईयर एवरेज जो सीजनल है उससे भी काफ़ी नीचे है। तो आई थिंक जो विंटर सीजन इस बार नवंबर में स्टार्ट होगा वो टाइटर सप्लाई के साथ आएगा, डेट्स द वेरी रीज़न नेचुरल गैस के अंदर हमने काफ़ी उम्दा रिटर्न आते हुए देखे हैं, अपार्ट फ्रॉम द समर में जो कूलिंग डिमांड आई थी। आई थिंक नया हाई बनाया है, बाय ऑन डिप्स ही रहना चाहिए, 300 के नीचे जब तक नहीं जाएगा इसमें करेक्शन नहीं आएगा। 305 308 शुड बी द बाइंग लेवल, मुझे ऐसा लगता है 320 तक प्राइस आने चाहिए। ओके, तो ये आप कह रहे हैं कि 320 तक भाव नेचुरल गैस का जा सकता है, मतलब यहाँ से 7 से 8 रुपए की तेज़ी की गुंजाइश और भी नेचुरल गैस में बची हुई है, बनी हुई है। एग्री मार्केट में पर कोई आपका कमेंट, क्योंकि बहुत उठा पटक चल रहा है ग्वार में, सोयाबीन में, वहाँ पर आपकी कोई राय ट्रेडिंग की? सी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है, सो वी आर अवॉइडिंग एग्री काउंटर नावर डेज एंड वी आर वेटिंग जस्ट फॉर हैव अ क्लैरिटी। थोड़ा सा एक्टिविटी नॉर्मल होगा देन वी विल प्रेफर टू हैव अ व्यू ऑन एग्री, क्योंकि अभी क्या है कि आप देख रहे हैं ग्वार में काफ़ी उठा पटक है, एडिबल ऑयल के अंदर मैंने देखा है काफ़ी एक्सेसिव प्राइस रैली आया है बिकॉज ऑफ द सप्लाई कंसर्न। तो आई थिंक अभी ऐसे लेवल्स हो गए हैं कि यहाँ पर एक्चुअली इवन ट्रेडिंग करना काफ़ी टफ हो गया है, तो कॉमेंट करना मैं थोड़ा प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी अवॉइड करें, थोड़ा मार्केट को सेटल होने दें और फिर नए ट्रेड की प्लानिंग करें। बहुत शुक्रिया तरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के मोस्ट लिए कि वेलकम। आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर नज़र रखनी चाहिए, कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा।